हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही टेस्टी और एकदम परफेक्ट मलाई कोफ्ता रेसिपी आप लोग के लिए लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बॉल्स टूट जाता है, ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है, तो ये रेसिपी मैंने 3 से 4 बार ट्राई की, हर मिस्टेक को पकड़ा कि कहाँ गलती से ये रेसिपी ख़राब हो सकती है। और उसके बाद जब पूरा परफेक्ट ये रेसिपी बना, तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि जब भी आप लोग मलाई कोफ्ता बनाए तो आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो। तो बहुत सारे टिप्स हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें ज़रूर। और आइए इस वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं और 100 ग्राम के करीब मैंने पनीर लिया है। तो आप मेक श्योर ये कर लें कि जो आपका आलू है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और पनीर का भी पूरा मॉइस्चर ख़त्म होना चाहिए। अगर आपके आलू में पानी रहेगा या पनीर में थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहेगा तो आपका जो बॉल्स है वो अच्छा नहीं बनेगा। और दूसरी बात कि इस तरीके से आपको कद्दूकस कर लेना है आलू से, ताकि आपका जो बॉल्स बने उसमें गुठली ना रहे, बहुत ही परफेक्टली बने। तो पनीर को भी इस तरीके से कद्दूकस कर ले आप। और ये पनीर मैंने घर पे बनाया है। अगर आप लोगों को पनीर बनाने की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देख सकते हैं पनीर बिल्कुल भी मार्केट जैसा है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से कद्दूकस करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च। अगर आपको तीखा पसंद हो तो डाल दें, अदरवाइज स्किप करें। थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ते, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच यहाँ मैंने लिया है जीरा का पाउडर, और थोड़ा सा मैं डालूँगी हल्दी, हल्दी कलर के लिए डालूँगी थोड़ा सा। और उसके बाद नमक इसमें डालना है स्वाद के अनुसार, तो नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करें, अदरवाइज़ ये बॉल्स जो हैं ज़्यादा नमकीन बन जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बिल्कुल 1/2 चम्मच ही आप इसमें नमक ऐड करें, अगर इस तरीके के क्वांटिटी में आप ले रहे हैं मेरे जैसे तो। उसके बाद सभी को मिलाने के बाद जो मेन टिप्स है वो है मैदे की। तो यहाँ पे मैदा आपको ऐड करना है, ताकि जो बॉल्स है उसमें थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर हो तो वो ख़त्म हो जाए और आपका परफेक्ट बॉल बने। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच मैदे को ऐड किया है। आप जब भी बनाएं आप मेक श्योर कर लें कि आपका जो ये डो रेडी हो रहा है वो बहुत ही सख्त हो, अच्छा हो। ज़्यादा अगर गीला लगे तो थोड़ा सा मैदा और आप ऐड कर सकते हैं, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने 3 चम्मच डाला है और अच्छा सा मेरा बहुत ही हार्ड सा एक डो रेडी हो गया है। इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं। अब इसे मैं बॉल बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आपको दोनों हाथों की मदद से बहुत ही चिकना बॉल्स बनाना है, क्रैक्स ना रहे, अदरवाइज़ ये तेल में फटने का चांसेस रहेगा। और उसके बाद इस तरीके से आपको मैदे में इसे कोट कर लेना है, तो बहुत ही अच्छा फ्राई होगा बॉल्स और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे फटेंगे। तो सारे बॉल्स को मैं इसी तरीके से चिकना चिकना, जिस भी साइज़ में आपको कोफ्ते चाहिए वैसे ये परफेक्ट साइज़ है। तो इस तरीके से आपको गोल बना लेना है और मैदे में कोट करते जाना है और इसको रखते जाना है साइड में। देखिए ये बहुत ही अच्छा बॉल्स बन रहा है मेरा, बहुत बढ़िया से सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। यहाँ पे सारे बॉल्स मेरे बन के रेडी हो चुके हैं, तो अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे तेल ऐड कर रही हूँ मैं, आप कोई भी तेल ऐड कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं, जो भी आपका खाना प्रेफर करे उसे डालें। मैं यहाँ इसे डीप फ्राई करने वाली हूँ, आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप इसे डीप फ्राई करें। और तेल आपका बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद आपको इसके फ्लेम को मीडियम कर देना है और एक एक करके सारे बॉल्स को ऐड करते जाना है। यहाँ पे देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्म था, बिल्कुल भी तेल आपका कम गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका बॉल्स जो है वो टूटने लगेगा। तो सारे बॉल्स ऐड हो गए हैं और एक साइड से पक गया है। तो इस तरीके से आपको चम्मच की मदद से या जिस भी चीज़ से आपको पलटने में आसानी हो उसे एक एक करके आप पलट लें। तो यहाँ पे एक एक करके मैं चम्मच से, मुझे ज़्यादा आसानी लगती है तो मैं पलट लूँगी। और ये देखिए कितने सुंदर मेरे बॉल्स बने हैं, कहीं से भी टूटे नहीं हैं, कहीं से भी फटे नहीं हैं। तो यही मेन ट्रिक्स है। अब आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो बॉल जो है बीच से फट जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, इसी स्टेज पे आपको सारे बॉल्स निकाल लेंगे और उसके बाद इसके मसाले को तैयार करते हैं।
तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन को रख दिया है गैस पे, गर्म हो गया है ये। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल। यहाँ पे आप घी या रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच जीरा लिया है, थोड़ा सा दालचीनी, उसके बाद दो इलायची, थोड़ा सा जावित्री, एक तेज़पत्ता, तीन सूखी लाल मिर्च, थोड़े से गोल मिर्च और तीन लौंग लिए हैं। अब इनको अच्छे से थोड़ा फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दो मीडियम साइज़ का प्याज, इसे मैंने रफली चॉप्ड किया है। उसके बाद डालूँगी लहसुन और अदरक का एक टुकड़ा। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को डाल के आपको इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेना है। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से काजू। काजू मैंने 8 पीस लिया है, तो काजू से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो काजू आप ज़रूर डालें इस रेसिपी में। उसके बाद दो मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ऐड किए हैं। बिल्कुल इसी क्वांटिटी में आपको सारे मसाले लेने हैं। तो इस यहाँ पे आप देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे ठंडा करके मैं इसका बहुत ही बढ़िया एक पेस्ट बना लूँगी। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सेम पैन में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा तेल और बहुत सारा मैं इसमें बटर डालने वाली हूँ। बटर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखें, ये अच्छी लगती है। आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ डाल दिया और उसके बाद आधा चम्मच यहाँ धनिया पाउडर डाल दिया है। उसके बाद इसे जल्दी से मैं इसे चला लूँगी और जो मैंने पेस्ट रेडी किया है उसे मैंने छान लिया है। तो पेस्ट को छानने के बाद ही इसमें डालें, बहुत स्मूथ सा टेक्सचर आता है और बहुत बढ़िया आपका जो ग्रेवी बन के रेडी होता है। और उसके बाद कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी। तो इसे आपको बीच में ढक के पकाना है। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी और थोड़े थोड़े देर पर इसे चलाती रहूँगी। तो यहाँ पे आपको नमक ऐड कर देना है। नमक मैंने बॉल्स में भी डाला है, तो आधा चम्मच यहाँ पे और नमक ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसे चला लूँगी। चलाने के बाद इसे फिर से मैं ढक के ही पकाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना बढ़िया ग्रेवी से जो है तेल छोड़ने लगा है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। बहुत बढ़िया ये रेसिपी बनती है, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं। उसके बाद मैं यहाँ थोड़े से कसूरी मेथी डाल रही हूँ, तो कसूरी मेथी आप ज़रूर डालें, कोई भी चीज़ इसमें आप स्किप ना करें, मैं यही आपको बोलूँगी। और इस तरीके से मैं थोड़ा सा फ्रेश अमूल का मलाई भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर का जो मलाई होता है, दूध पे मलाई होती है, उसे लेकर के फेंट करके और इसमें डाल दें, सेम टेस्ट आता है, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। अब थोड़े से ढक के मैं और इसे पका लूँगी और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया मेरा जो ग्रेवी है वो दिख रहा है। और थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब कोफ्ते में ये ग्रेवी जाएगी ना तो वो बहुत सारा वाटर सॉक करता है। तो यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया के पत्ते, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मलाई कोफ्ते का। और उसके बाद थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बिल्कुल भी थोड़े देर इसे ढक करके एक उबाल आने तक मैं पका लूँगी ताकि जो मैंने पानी डाले हैं वो मसालों के साथ अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ये बनके पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे बॉल्स मैंने सजा लिए हैं एक प्लेट में और इसके ऊपर से मैं डालूँगी ग्रेवी। तो ये देखिए बनके बहुत ही आसानी से रेडी हो चुका है, बहुत जल्दी बन गया था ये। और इसे गर्मा गर्म आप नान के साथ, पूड़ी के साथ या फिर फ्राइड राइस के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है ये। तो रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ हूँ और कोशिश करती हूँ कि जिन लोगों को खाना बनाने में परेशानी होती है वो मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ सीख सकें, इसलिए मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और थोड़े से ऊपर से मलाई आप डाल दें और थोड़ा सा धनिया के पत्ते से गार्निश कर दें और ये आप देख ही सकते हैं कि बहुत बढ़िया ये रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है और प्लेटिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।